एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो है आप दोनों के नेक्स्ट 7 डेज, आपके और आपके पार्टनर के नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे वो एनर्जीज हम चेक करेंगे, ठीक है। उनकी आपकी फीलिंग्स भी कैसी रहेंगी वो भी ओवरऑल चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने दो डिफरेंट डेक्स रखे हैं, उसका मतलब ये है कि आप दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेक्स यूज़ किए जाएंगे। पिक अ कार्ड नहीं है, ये कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी, साथ ही साथ जनरल रीडिंग होगी। जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, कुछ लोगों के लिए करेगी, कुछ के लिए नहीं करेगी, मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आते हैं और रिजोनेट हो पाते हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब किया करो इस चैनल को, ताकि आप आगे और भी रीडिंग्स को एंजॉय कर सकें। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होंगी, आप लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, मतलब ओवरऑल आपके पार्टनर लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं। तो थी था इंपॉर्टेंट नहीं होगा, मैं आप लोगों को बता दूंगी कि किस तरफ आपकी एनर्जी है और किस तरफ उनकी एनर्जी है, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप अपने पार्टनर का अच्छे से ध्यान कर लें, उन्हें अच्छे से इमेजिन कर लें अपने आसपास। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके फीलिंग्स और उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों की फीलिंग्स चेक करूंगी, ओके। देख लूं डेक सीधा पकड़ा है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके नेक्स्ट 7 डेज क्या रहने वाले हैं उनके फीलिंग्स। नेक्स्ट 7 डेज ऐसे होंगे कि समझो आज का दिन मान के चलो, कोई भी दिन हो सकता है, संडे मंडे जो भी आज का दिन होगा उसका नेक्स्ट डे कैलकुलेट करना, ठीक है। उसका नेक्स्ट डे, फर्स्ट डे, सेकंड डे, इस तरह होगा। यूनिवर्स मुझे बताएं नेक्स्ट 7 डेज मेरे व्यूवर्स के लिए कैसे रहेंगे, नेक्स्ट 7 डेज मेरे व्यूवर्स के लिए कैसे रहेंगे ओवरऑल लव लाइफ में उनके पार्टनर को लेकर। स्ट्रेंथ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, देहरोपंत 3 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, द हर्मिट, ओके 1 2 3, ओके लास्ट 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके क्लारिफायर रखेगा तो मैं निकालूंगी जरूर। यूनिवर्स अब मुझे बताएं नेक्स्ट सेवन डेज मेरे व्यूवर्स जो हैं, जो भी व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं, उनके पार्टनर, उनकी लव लाइफ में जो उनके पार्टनर हैं, उनके फीलिंग्स और उनके जिंदगी में ये नेक्स्ट 7 दिन कैसे रहेंगे, नेक्स्ट 7 डेज क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द स्टार, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, ओ गॉड दोनों का टावर आया है, ओके स्ट्रेंथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो मुझे दिखाई दे रहा है आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो काफी हद तक लियो एरिस सजिटेरियस हो सकते हो, कुछ लोग लिब्रा एक्रेस जेमिनी की एनर्जी में दिख रहे हो, और कुछ लोगों का मुझे काफी स्ट्रांगली जेमिनी बहुत ज्यादा एनर्जी दिख रही है, ठीक है। कैप्रिकॉन और जेमिनी एनर्जी बहुत दिख रही है, ठीक है। तो इनमें से कोई साइन आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है, कुछ लोगों के लिए लिब्रा भी दिख रही है, ठीक है। सो आपके पर्सन की साइन जो है वो भी मुझे दिख रही है, लिब्रा एक्रेस जेमिनी, कैप्रिकॉन एनर्जी बहुत दिख रही है, कैप्रिकॉन है, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जीज ही दिख रही है मुझे, ठीक है। तो इनमें से कोई साइन आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 7 डेज में आप बहुत ज्यादा चीजों से जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चीजें आपके लिए इजी नहीं होते हुए दिख रही हैं। आपके अंदर एक तरीके की स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी मैं जरूर देख पा रही हूँ। आपका नेक्स्ट डे यानी कि कल के दिन से अगर शुरू किया जाए तो फर्स्ट डे पे आप बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड क्लारिफाई करें यूनिवर्स, एक मिनट एक चीज, स्ट्रेंथ का कार्ड क्लारिफाई करें यूनिवर्स। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करेंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील करेंगे, किसी भी चीज को मनवाने के लिए अपने आप के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा हावी होगी आपके ऊपर, अपने आप के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी चीज में आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी होते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। आई मी माई सेल्फ वाली एनर्जी में रहेंगे, जहां पे बाय हुक बाय क्रुक वही चीजें करवाएंगे जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, मतलब उसके लिए साम दाम दंड भेज कोई भी चीज करनी पड़े आप करेंगे जरूर। ये ओवरऑल आपकी लव लाइफ में ही मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चीजों को स्ट्रैटेजिकली प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अपने काम और करियर में भी बहुत फोकस्ड रहेंगे आप, बहुत ज़्यादा। कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने आप को लेकर, ये आपकी एनर्जीज हैं, ठीक है, ये आपकी एनर्जीज हैं, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, ओके। सो काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि काम को लेकर भी एक्टिव रहेंगे, अपने हर काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करेंगे, बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ लोग, हर एक इंसान के लिए डिफर कर सकता है, कुछ लोगों के लिए मैं स्पेल्स करते हुए देख पा रही हूँ, कुछ लोग स्पेल्स का यूज़ करेंगे, स्पेल्स लाइक काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक या काइंड ऑफ किसी तरीके का मैजिक यूज़ करते हुए या मैनिफेस्टेशन या किसी तरीके की स्पिरिचुअल मेथड्स करते हुए अपने पार्टनर के लिए दिखाई दे रहे हो, किसी चीज का जस्टिस डिमांड करते हुए दिखाई दे रहे हो और किसी चीज के लिए अपने आप को लेकर स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो। वहीं दूसरे दिन आप बहुत ज्यादा परेशान, हताश और किसी चीज के रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हो। नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, कब रिजल्ट मिलेंगे, कब जस्टिस होगा, मेरे साथ न्याय क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ लाइफ में ये सब क्यों घटित हो रहा है, मेरा पर्सन मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, मुझे क्यों तकलीफ दे रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में सोचेंगे। मैंने उसके लिए इतना कुछ किया और उसने मेरा दिल इस तरह तोड़ा। यस, उनकी इमेच्योरिटीज़ को लेकर आप बहुत परेशान होंगे, आप अपने आप को लेकर बहुत परेशान होंगे, आपको बार बार किसी चीज़ का रिग्रेट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। होता है ना कि कभी कभी हम नाराज़ हो जाते हैं और 50 मैसेजेस कर देते हैं तो बाद में उसका भी रिग्रेट होने लगता है कि ये 50 मैसेजेस भी मैंने उसको क्यों दिए, अपना इंसल्ट करवाने के लिए क्या, ठीक है। किसी तरीके का रिग्रेट, किसी चीज़ की किसी बात का दुख और बहुत ज़्यादा मुझे नींद का पैटर्न भी बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी तरीके की नींद की दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है, या हेल्थ इशूज़ हो सकते हैं, बैक में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है या गर्दन में दिक्कत आ सकती है, कोई तरीके का स्पैम मुझे आता हुआ, स्पैजम आता हुआ, मतलब होता है ना एक अजीब सा बॉडी में क्रैक आ जाता है और होने लगता है, काइंड ऑफ ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कंधे में, स्पेशली कंधे में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ हो सकता है, ठीक है, वन साइड शोल्डर में। काफी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी एक्शन को लेकर या अपने पार्टनर की इमेच्योरिटीज और बेवकूफियों को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे अगले दिन पे। मुझे काफी ज्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि सोचेंगे कि क्यों इस बेवकूफ को मैंने अपनी जिंदगी में आने दिया और अपना दिल तुड़वाया। काफी ज्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड डे पे मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी की बातों में आकर बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देते हुए अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेरोपंत का कार्ड क्लैरिफाई करें। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोगों के लिए कुछ डिफर करेगा, कुछ लोगों के लिए कुछ और रिजोनेट होगा, ठीक है। मैं बता देती हूँ, मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे थर्ड डे पे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, बहुत ज़्यादा लाइक गुरु और पूजा पाठ, भगवान, इन सब में बहुत कनेक्ट होंगे, मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब चीज़ों में कनेक्ट होंगे। किसी बुजुर्ग से बात करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी बुजुर्ग की गाइडेंस मिल सकती है आपको, कोई बुजुर्ग आपको गाइड करेगा, बेटा ऐसा करो तुम्हारी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, या किसी, हो सकता है ज्योतिष या किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर को हो सकता है अप्रोच करेंगे, ठीक है। मुझे ओवरऑल ऐसे दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटीज है कि चर्च के फादर से भी मिल सकते हैं शायद, कि कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि चर्च के फादर से मिलेंगे या किसी तरीके के पंडित से बात करेंगे, कोई बुजुर्ग या इस तरीके की कम्युनिकेशन मुझे ज़रूर थर्ड डे पे दिखाई दे रही है। और मुझे काफ़ी लोग जो हैं अलग कुछ लोगों के लिए डिफर करेगा, कुछ लोग मुझे थर्ड पार्टी को लेकर चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, थर्ड पार्टी झूठ बोल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, कब तक उनका झूठ फरेब और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, इस बात को लेकर आप बहुत चिंतित हैं। थर्ड पार्टी का पर्दाफाश कब होगा, उनकी आंखें कब खुलेंगी, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपकी ज़िंदगी में जी का जंजाल कर रखा है, कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है आप दोनों की ज़िंदगी में जिसको लेकर आप बहुत परेशान हैं और जिसके लिए आप स्ट्रैटेजीज भी प्लान करेंगे। किसी तरीके का मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि शो अपने पर्सन को इस तरह से करने वाले हैं जिसमें आप दिखाएंगे कि देखो मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, जाओ तुम भोगो तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी तुमने गलत किया है उसका भुगतान जाके करो। लाइक किसी तरीके से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मैनिपुलेटिव एनर्जी है, थोड़ा सा स्निकी बिहेवियर रहेगा जहाँ पे आप उनको दिखाना ही नहीं चाहते हो कि आप उनके बारे में सोच रहे हो पर आप सोच ज़रूर रहे हो। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि फोर्थ डे पे आप बहुत ज़्यादा वेटिंग पोजीशन पे हो, फ्यूचर को लेकर बहुत कंसर्न रहेंगे, अपनी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे, अपने काम पे फोकस्ड, अपनी लाइफ में फोकस्ड, अपने परिजनों पे फोकस्ड, बहुत सारी चीज़ों में अच्छा बैलेंस निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी चीज़ को याद ज़रूर करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। थ्री ऑफ वॉन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यस, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम वर्क करेंगे, कोई तरीके का टीम वर्क करेंगे, टीम के साथ कोई काम कर सकते हैं, या पॉसिबिलिटीज है कि घर पे अचानक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ जाएंगे और उनके साथ आपकी गेट टुगेदर होगी, फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है, आप बाहर आएंगे जाएंगे घूमेंगे, किसी तरीके का मोमेंट इन्जॉय करेंगे और थोड़ा खुद को रिलैक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं और नॉर्मल होते हुए काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में किसी तरीके का फेस्टिव या सेलिब्रेशन हो सकता है जिसको आप अटेंड करेंगे। काफ़ी हद तक फोर्थ डे पे मुझे बहुत ज़्यादा आपके इर्द गिर्द लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे बातें करेंगे या छोटी मोटी मिनी पार्टी होते हुए दिखाई दे रही है।
वहीं फिफ्थ डे पे द टावर का कार्ड मुझे कहता है दोनों के बीच में एक बहुत बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, कई हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके और इनके बीच में किसी तरीके का मनमुटाव की स्थिति बनेगी और दोनों के बीच में दोनों दोबारा एक दूसरे की शक्ल ना देखने की कसम खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये टावर मोमेंट टेम्पररी रहेगा, कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है ये सिर्फ 7 डेज की कहानी है, जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये टावर मोमेंट आप दोनों की जिंदगी में आएगा, जहाँ आप दोनों ही एक दूसरे को ना देखने की बात कर लोगे, कि ये सोचोगे कि ठीक है बहुत बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब तुम्हें नहीं सहा जाएगा, वो वाले एटीट्यूड में दिख रहे हो, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर कंसर्न होने लगेंगे और अपने पर्सन या पर्सनी को भाव देना बंद करेंगे, अपने आप पे फोकस रहेंगे, अपने आप में अलर्ट रहेंगे और किसी बात की परेशानी, किसी तरीके की लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या किसी बात का गिल्ट आपको सताता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी बात से आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ क्यों नहीं हुई और कब चीज़ें ठीक होंगी या अपने जीवन में एक रोशनी कब आएगी, इस चीज़ को लेकर बहुत संकोच में है। 7th डे पे मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है, आप खुद को बहुत स्टक महसूस करेंगे, चाहकर भी आगे ना बढ़ पाने का एक दुख होगा और जहाँ पर आपको लगेगा काश मैं आगे बढ़ पाती, काश मैं चीज़ों को ठीक कर पाऊँ, क्यों मुझे बार बार उसकी याद आ रही है, क्यों बार बार मैं उसकी तरफ पीछे खींची चली जा रही हूँ या खींचा चला जा रहा हूँ, क्यों मुझे वो जो है मेरी ज़िंदगी से कम्प्लीटली कट ऑफ नहीं होती, क्यों मुझे बार बार उसका ध्यान आने लगता है, आखिर क्या है वो चीज़ें जो हम दोनों से जो है कनेक्टेड फील करवाती है और आखिर क्यों मैं उससे कनेक्टेड हूँ, ये बात की क्यूरियोसिटी आपको परेशान करेगी। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत क्यूरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या बार बार क्यों मुझे उसकी याद आ रही है, या बार बार क्यों मुझे उससे इतना कनेक्टेड या वाइब्स इतनी स्ट्रांग क्यों फील होती है, इस बात की क्यूरियोसिटी होगी, किसी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। इस हफ्ते में मुझे आप काफ़ी हद तक, कुछ लोगों के लिए डिफर करेगा कुछ लोगों के लिए नहीं, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस हफ्ते काफ़ी हद तक आप किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर को डेफिनेटली अप्रोच करने के बारे में सोचेंगे। आप सोचेंगे कि बस आपको क्लैरिटी चाहिए, एक क्लियर विजन चाहिए, आपका दिल टूट बहुत बार टूट चुका है, अब आपको एक सही तरीके का रास्ता चाहिए जहां पर आप सही तरीके से चले, आपको एक क्लियर विजन मिल सके, और इसीलिए मुझे काफ़ी हद तक किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी टैरो रीडर को अप्रोच करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज में, और एक बार नहीं कई बार शायद आप अप्रोच करेंगे। ठीक है, या किसी तरीके से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा राशियाँ देखेंगे या बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखेंगे ताकि अपने आप को रिलैक्स कर सकें और आपको कोई क्लियर विजन मिल सके। काफ़ी स्ट्रांगली मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है आपकी पार्टनर की तरफ से, आपके पार्टनर जो है आपको लेकर बहुत स्पेशल फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट डे पे। अब उनके अगर 7 दिन आपके हो गए, अब इनके 7 दिन की बात करें, आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी इसलिए आपको लेकर बहुत स्पेशल फील कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं इनके अंदर, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वो आपके बारे में बहुत स्ट्रांगली फील करने लगे हैं, सोचने लगे हैं, मिस करने लगे हैं, और बहुत सारी पुरानी यादें उनको घेरे हुए हैं, जहाँ पर वो सोच रहे हैं कि यार आप दोनों ने कितना अच्छा समय एक दूसरे के साथ व्यक्त किया है। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और इनके ज़िंदगी में कोई एक लेडी इन्वॉल्व है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं आप दोनों के बीच में, उस लेडी का मुझे इन्वॉल्वमेंट इस तरह से दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ईविल एनर्जीज़ हैं, किसी तरीके का गलत चीज़ उपयोग किया गया है, हो सकता है इसके कारण मुझे इस एनर्जीज़ में वो दिख रहा था कि आपने स्पेल किया या ब्लैक मैजिक मैंने आपको कहा था, हो सकता है शायद इसी कारण मुझे बार बार ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है, हो सकता है आप उसके ब्लैक मैजिक को तोड़ने के लिए कोई उपाय या कोई रेमेडी फॉलो कर रहे हो जिसके कारण मुझे ये दिख रहा था, ये हो सकता है क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी दिख रही है जिसमें कोई लेडी इन्वॉल्व है, ये लेडी कोई भी हो सकती है आप दोनों के बीच में, और इस लेडी के कारण मुझे आप बहुत सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हो। बिकॉज ऑफ दैट मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपकी बातों को मानते नहीं हैं और आपको जो है सुना अनसुना कर देते हैं, बचपना बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, देखो बचपने के बारे में आप भी सोच रहे हो, ये भी वही बचपना करके दिखा रहे हैं, आप इनसे परेशान हो चुके हो, इनके मैनिपुलेशन, इनके झूठ, इनका आना जाना, बार बार आपको तकलीफ देना, इस तरीके की चीज़ों से आप इरिटेटेड हो गए हो। कल तक आपके पर्सन ऐसे तो नहीं थे, ये वाले सोच विचार आपको परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, डेफिनेटली ये किसी तरीके का लाइक सोच विचार ज़रूर कर रहे हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा, इनके दिमाग में बहुत सारी प्लान्स और बातें ज़रूर चल रही हैं, बट काफ़ी हद तक मुझे हवा में तलवार उड़ाते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, कोई तरीके की स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही, ऐसा दिखाई दे रहा है ईगो बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, मैं क्यों झुकूँ, मेरी क्या गलती, इसको समझना चाहिए था, ये बेवकूफ़ है, इसको अक्ल होनी चाहिए थी, ये वाला एटीट्यूड ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जहाँ पर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, बहुत ज़्यादा ईगो और बहुत ज़्यादा घमंड दिखा रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हैं आपको लेकर, इनसिक्योरिटीज़ भी डेवलप्ड होते हुए दिखाई दे रही हैं, आपको खो बैठने का दुख है और काफ़ी हद तक मिस भी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इस हफ्ते मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में एक टावर मोमेंट आएगा जहाँ पर दोनों का रिश्ता बहुत खट्टे दौर से निकलता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये टेम्प्रेरी होगा। ठीक है, 7 डेज का अगर स्टोरी है तो उसमें टेम्प्रेरी है ये,
मुझे काफ़ी हद तक ये फिफ्थ डे में दोनों के बीच में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ दोनों के रिश्ते में खटास आ सकती है। कारण आपकी पर्सन की इमेच्योरिटी होगी, जो आपकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, और तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट दखल जरूरत से ज़्यादा, जो उनको बहुत मैनिपुलेट करेगा, भड़काएगा, उनको अपने हिसाब से चलाएगा और बहुत सारी चीज़ों में आपकी सुनी अनसुनी कर देंगे, जिसके कारण आपका दिल टूटेगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप खुद को परेशान और बेबस महसूस करेंगे, और ये पर्सन जो है काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अपनी गलतियों का पछतावा या एहसास नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कैसे अपनी लाइफ में जो है आपको खोते हुए भी नहीं देखना चाहते। ये डेफिनेटली बिहेव करते हैं कि चलो अब इसके बाद हम नहीं देखेंगे दूसरे को, मूव ऑन कर लेते हैं, पूछूंगा भी नहीं, बात भी नहीं करेंगे, या एटीट्यूड दिखाएंगे और मैसेजेस भी नहीं देखेंगे, या इस तरीके का एटीट्यूड होगा जी फोन वोन बंद करके बैठ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको चाहते ज़रूर हैं, और बहुत अच्छे से इनको ये पता है कि ये आपको अपने हाथ से जाने नहीं देगी। लाइक कहीं ना कहीं अपने हाथ में पूरा कंट्रोल आपको लेकर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपको कंप्लीटली जाने भी नहीं देंगे और कंप्लीटली पकड़ते हुए नजर नहीं आ रहे, जिसको लेकर आप बहुत परेशान हैं। आप इनके इस बार 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 बोलते ना, बार बार आते और जाने आने जाने की सिचुएशन से, या किसी तरीके की क्लैरिटी ना दे पाने की सिचुएशन से आप बहुत इरिटेट हो चुके हैं। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको परेशान करके खुद को स्ट्रांग महसूस करने लगते हैं। उनको लगता है कि उनसे कोई गलती नहीं हुई, खुद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं। जब जब आपका दिल टूटता है, आप परेशान हो जाते हो, आप लो फील करते हो, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील करते हैं, अपने जीवन की नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। और कई हद तक मुझे ये भी दिख रहा है कि ये चाहेंगे ज़रूर कि आपका और इनका फ्रेश स्टार्ट हो सके। फ्रेश स्टार्ट के लिए ये सोच विचार करते हुए ज़रूर दिख रहे हैं, बट थोड़ी सी मैनिपुलेशन और कंट्रोल मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर। लाइक किसी तरीके का ईगो या गुस्सा दिखा सकते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या इन फ्यूचर इस रिश्ते में किसी तरीके की पॉजिटिव साइड्स हम देख पाएंगे, या कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी इन फ्यूचर इस रिलेशनशिप में? यस, डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में जीत जो है होगी ज़रूर आपकी। बट एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज्ड हैं। इनके ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में मुझे काफ़ी हद तक एक्सप्रेस ऑफ लव आने वाले समय में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्हें अपनी गलती का एहसास होता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने अंदर की जिद को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्यूचर और अपने पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करते हुए दिख रहे हैं, या ये लड़की भी हो सकती है आपकी पार्टनर, ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी कंसर्न होने लगेंगे, कन्फ्यूजन डेफिनेटली होगी, लेकिन कन्फ्यूजन के बाद बाहर निकलेंगे और कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन की पॉसिबिलिटीज़ है। एट दी एंड आप दोनों के बीच में एक सेलिब्रेशन होगा और ये रिलेशनशिप में ग्रोथ होगी, ठीक है। इस रिलेशनशिप को वो स्टेबिलिटी मिलेगी जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगी। लोग इन्वॉल्व होंगे इस सेलिब्रेशन में, इवेंट होगा, कोई बड़ी गेट टुगेदर या मिनी गेट टुगेदर हो सकता है। हो सकता है कि सडनली एक वर्क प्लेस पर साथ में काम करेंगे, बिकॉज मुझे चार दीवारें दिख रही हैं जिसमें एक लिविंग रिलेशनशिप हो सकता है, शादी हो सकती है, स्टेबिलिटी हो सकती है, या काफ़ी हद तक आपको जो है कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जो आप इनके साथ सेलिब्रेट करेंगे काफ़ी स्ट्रांगली। देखिए ये अब मैंने एक्चुअली निकाला नहीं, ये खुद गिरा है, तो मैं डेफिनेटली इसको अप्रोच करूंगी। ये और ये कनेक्शन मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। आप दोनों के कनेक्शन में स्ट्रेंथ ज़रूर आएगी, स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी, बट ये वो समय नहीं होगा। ये नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग टाइप के होंगे, चैलेंजेस से भरे होंगे, जहाँ पर आप इनकी हरकतों से थोड़े से परेशान हो सकते हैं। इसलिए एडवाइस ये होगी कि खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, खुद को इनकी बातों से इफेक्ट होने के लिए मत लगाएं। ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं, या इनका बर्ताव जैसा भी है उसको एक्सेप्टेबल पोजीशन पे रखें, यानी कि यूज्ड टू हो जाएगी, ठीक है यार इसका तो यूरोज का है। अपने काम पे ही अटेंटिव रहें, अपने आप पे फोकस रहें, इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये फोकस करने की जगह आप इस चीज पे ध्यान रखें कि खुद को बहुत ज्यादा बिजी रखें, बहुत बिजी रखने की कोशिश करें और पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, क्योंकि इस रिलेशनशिप का आउटकम बहुत ब्यूटीफुल होगा। बहुत ज्यादा मुझे रिकंसलेशन और कनेक्ट होते हुए इन फ्यूचर दिख रहे हैं, बट ये नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों की लव लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स हैं, जहाँ पे आपके पर्सन जो है बचपना बहुत दिखाएंगे, आपको गुस्सा भी आ सकता है, बट आने वाले टाइम में ये वही चीज़ों को लेकर गिल्ट महसूस करेंगे और कहीं ना कहीं उनको प्यार आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा फील होना लगेगा। कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि उनसे कोई गलती हुई है, उन्होंने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया है, हर चीज़ का उनको कहीं ना कहीं माइंडसेट ऐसा लगने लगेगा जहाँ पे उनको अपनी हर एक गलती का एहसास होने लगेगा और हर एक छोटी छोटी चीज़ भी उन्हें ध्यान आने लगेगी, बट उस चीज़ में समय लग सकता है। इसे नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर एक्सपेक्ट मत करो, और मैं झूठ नहीं बोलती, इसलिए मैं जो भी आपके सामने प्रेजेंट हुआ उसको मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैंने बना बना कर बड़ी बड़ी बातें नहीं की कि नेक्स्ट 7 डेज में आप लोगों को रिकंसलेशन होगा, हैप्पीनेस होगी, लव होगा, शादी होगी, ये नहीं होगा। नेक्स्ट 7 डेज आप सोच विचारों के धनी हो जाएंगे, लाइक बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहेंगे, कैसे होगा, कब होगा, इस बात की चिंता आपको सताएगी। लेकिन आउटकम पर फोकस नहीं किया तो आप लोगों की लाइफ में सब कुछ बहुत बेहतरीन होगा, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो। यूनिवर्स मुझे पता है क्या एडवाइस देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को।
इस रिलेशनशिप के लिए या ओवरऑल नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को? धुनी, अपनी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और बीमारियों को मेरी धुनी में जला दे। अब क्या होता है ना कि हर कोई साईं बाबा के मंदिर नहीं जा सकता, हर किसी के पास ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि वो साईं बाबा के मंदिर, शिरडी या कहीं जा सके और धुनी में अपने ये सारे स्ट्रेस को जला सके। तो ऐसे इन दैट केस में मैं बोलूँगी कि अपने घर में कैंडल, दिया, जो भी है उसे जलाओ, उसे 2-3 मिनट ऑब्जर्व करो और ऐसा फील करो कि आपके अंदर का दर्द, गुस्सा, तकलीफ, ईगो, हर चीज़ को आपने उस धुनी में डाल दिया, धुनी इस आग की अग्नि में डाल दिया, ठीक है। इस तरह इमेजिन करें ताकि आपको रिलीफ फील हो सके, ताकि आप रिलैक्स कर सके, ठीक है। स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपने अभिलाषित कहानियों को नहीं। ईश्वर आपकी कहानी बहुत अच्छे से जानता है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हर एक चीज़ उनको पता है। आपके जीवन में क्या हुआ, क्या अन्याय, न्याय हुआ, हर एक छोटी छोटी बात उन्हें पता है। तो ईश्वर ऐसे में आपसे उम्मीद क्या करता है कि आप जो है सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दें, वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे आपको, आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको दुख नहीं होगा, ये पूरा इस चीज़ को संभालेंगे। लेकिन इस वक्त वो चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करें और अपने ज़िंदगी में एक ऐसा भाव लाएं जहाँ पर आप किसी से भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। अपने आप में, लाइफ में अगर उम्मीद रखनी है तो सिर्फ अपने आप से रखें, दूसरों से नहीं, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें हमेशा अपने आप को हर्ट कर देती हैं, ठीक है। क्योंकि हमें अपनी काबिलियत का अंदाज़ा है, बट हम लोग दूसरे से भी अपने जैसा बनने की कोशिश एक्सपेक्ट करते हैं ना अगर, तो वो कहीं ना कहीं हमारा दिल दुखा देता है। इसलिए एक्सपेक्टेशंस कभी भी मत रखो, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक चिपका दो जल्दी से, एंड डेफिनेटली आप लोगों को अगर सब वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली मेरी वीडियोस देखना अच्छे लगते तो सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है तो व्हाट्सअप करें मेरे नंबर पर, जो नंबर आपको दिया गया है वीडियो पर, उस पर व्हाट्सअप करें। ध्यान रखें, कॉल ना करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेस, पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लागू होते हैं, फ्री नहीं होते हैं। और उसके अलावा अगर आप लोगों को ब्रेसलेट बनवाना है तो डीलर का नंबर वीडियो पर भी रिफ्लेक्ट होता है, साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाल दिया है, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके अपने लिए ब्रेसलेट डिज़ाइन करवा सकते हैं, ठीक है। और भी मेरे चैनल्स के लिंक्स हैं जो मैंने नीचे डाल दिए हैं, आप वहाँ भी मुझे फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ओम साईं राम।